हर घर चुपचाप से ये कहता है कि अंदर इसमें कौन रहता है, किस हस्ती की हुई इस घर से शुरुआत, किन लोगों ने थामा था उनका हाथ। सुनते हैं सितारों की जुबानी उस घर की अनोखी कहानी, क्योंकि हर घर कुछ कहता है। नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एशियन पेंट्स हर घर कुछ कहता है में आज हम एक ऐसी हस्ती की यादों की गलियों में घूमने वाले हैं जिनकी कमर के एक ठुमके पर सारा देश झूम उठता था। जी हाँ, भारत के हीरो नंबर वन विरार का छोकरा गोविंदा। 21 दिसंबर 1963 को मुंबई के पास विरार में जन्म लिया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हीरो नंबर वन ने एक्टर अरुण आहुजा और गायिका निर्मला देवी के सबसे छोटे बेटे गोविंदा अरुण आहुजा के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो अपने बेहतरीन अभिनय से पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लेंगे। आज गोविंदा को पूरी दुनिया प्यार से छीछी कहकर पुकारती है। उनकी पहली फिल्म तन बदन पर्दे पर आते ही हिट हुई, यहाँ तक कि उन्हें इंडस्ट्री ने हीरो नंबर वन का खिताब भी दे दिया। इस डांसिंग सुपरस्टार पर किस घर से शुरू हुआ हम जानेंगे आज के इस सफर में। है कि हर यात्रा के शुरुआत से पहले जीवदानी माता के मंदिर में माथा टेको तो यात्रा जरूर सफल होती है। गोविंदा आज बहुत सालों के बाद अपने घर वापस लौट रहे हैं और उन्होंने अपने इस सफर की शुरुआत जीवदानी मंदिर से ही की। सर, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ आपका। 5 मिनट में खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। विरार और एक दूसरे के पर्याय हो गए, मतलब विरार का नाम कोई भी लेता है तो बिना आपका उल्लेख किए विरार का कुछ मायने नहीं है। सच ये है कि लोग कहते हैं ऐसा कि विरार मेरे वजह से प्रसिद्ध हो गया, लेकिन सत्य यह मुझे लगता है जो मैं विरार की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। क्या बात, मुझे लगता है विरार इसीलिए आपको पसंद है। हाँ, ये वो है कृपा। यहाँ पे बहुत लोग फंसे और देखिए लगता है कि आप इन गलियों में बहुत। चीची भैया, आपके पिता अरुण एक्टर थे, फिर विरार से आपका रिश्ता? डैडी हीरो हुआ करते थे, बहुत साल वो हीरो रहे, लगा के वो फिल्म बनाए बनाई हो वो चली नहीं, वो बांद्रा से काठरों से निकल के विरार आ गए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा ये गांव था तो 3,000 लोग रहा करते थे और ये 3,000 लोग सब ऐसे साथ हुआ करते थे कि घर परिवार था। किसी को कुछ किसी से कहना होता था तो उसको ऐसे ऐसे नहीं कहते थे कि भैया तुम जैसे कि वो पराया, नहीं, ऐसा लगता था जैसे घर परिवार का व्यक्ति है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये आपकी मातृभूमि है? हाँ हाँ, ये सत्य, जन्मभूमि, जन्मभूमि तो है ही है, मेरी मातृभूमि है ही है। ऐसी बहुत सी यादें हैं जिस समय मैं याद करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि मेरे लिए ये तीर्थ रहा है। आहुजा परिवार मूलतः विरार से भले ही ना, लेकिन इस गाँव ने उन्हें हमेशा घर जैसा माहौल दिया, अपनेपन का एहसास दिया। इस गाँव के सरपंच के घर का दरवाजा भी इनके लिए हमेशा खुला रहता था। आइए मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ, उस घर में जहाँ पे आदरणीय पंच रहा करती थी हम लोगों के गांव से। जितने समय मैं यहाँ पे था कि मम्मी समय पे नहीं पहुँच पाई स्कूल पे मुझे लेके आने के लिए, तो मैं यहाँ पे आके ठहर जाता था। तो यहाँ से मम्मी मुझे आके अपने घर फिर ले आ जाया करती थी। आइए पहले आप। तो ये वो झूला है, यहाँ बैठ जी का इंतजार करते थे स्कूल के बाद जी। और गांव ऐसा हुआ करता था कि हर बच्चे का ख्याल किया जाता था, हर बच्चा जो है खास महसूस किया, ऐसा घर परिवार और सब प्रेम से बंधे। मतलब इस पूरे मोहल्ले का स्वभाव ऐसा है जो आप में नजर आता है। ये वही घर है
जहां बाहर झूले पर बैठकर बचपन में चिची कभी अपनी माँ का इंतजार किया करते थे, और आज इनकी जिंदगी के कुछ खास लम्हे इनका इंतजार। पुरानी इन दीवारों में खुशियों का बसेरा है, कितने ही बरस बीत चुके हूँ लेकिन आज भी ये घर मेरा है। सोच भी नहीं सकता था ये सब नजर आया। ये वो बंगला है जहाँ पे कार्टर रोड पे हम लोग हुआ करता, ये अभी भी है वहाँ, ये है उसको प्रभुता नाम से। मम्मी कहती थी कि चीची मैं यहाँ से तो बहुत दुखी होकर निकली, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वहां से मैं डाल है जहाँ पे मैं पैदा हुआ यहाँ मुर्दा ये यहाँ पे। ये खास जो है ये मेरे मम्मी डैडी के लिए ये बनाया गया था, ये थी नहीं यहाँ पे, और ये बनाई थी शेख मास्टर साहब। डैडी आए जिस वक्त तो हम लोग यहीं पे शेख मास्टर साहब के यहाँ पे ठहरे हुए थे। अब इसमें आपको ये थिएटर नज़र नहीं आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ पे थिएटर हुआ करता था इस तरफ, इसके इधर कयूम की व्यायामशाला हुआ करती थी। अच्छा इस तरह। सब वो याद आ रहा है जो यहाँ पे हुआ करता था। याद आ रहा है ये कब की फोटो है? ये भैया है, ये मैं हूँ। उसमें देख के ऐसा लग रहा है कि आपको खींच के लाया गया है, आप फोटो खिंचवाना नहीं चाहते थे और कह रहे भाई आजा, भाई फोटोग्राफर आया है आजा, और मुझे लग रहा है कीर्ति मैंने पकड़ा हुआ है कि नहीं फोटो खींचा के ही जाना। गोविंदा ने विरार को कई सालों पहले भले ही छोड़ दिया हो लेकिन यहाँ के लोगों ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। जब भी यहाँ पे आया आप बताते हैं हमेशा स्नेह मिला, तो इतना मोहब्बत भरा इलाका क्यों छोड़ दिया आपने? हर चीज़ अच्छे के लिए छोड़ तो अच्छे। तकलीफ तो थी ना, मैंने डैडी को देखा था कि डैडी ने बहुत साल स्ट्रगल किया, उन्हें काम नहीं मिला, तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट था कि मुझे काम मिले। ये फिल्म साइन कर रहा हूँ या वो फिल्म, ऐसे मेरा ध्यान नहीं था, मेरा ये था कि मुझे काम मिल जाए और मैं काम करूँ और ऐसा काम कर दूँ लोगों को ये लगे कि ये आया है। ये ऐसी भूख है जो मैं दुआ करता हूँ कि कभी ख़त्म नहीं हो। एक तरह का रिकॉर्ड है कि अपने पहले ही साल में आपने 50 फिल्में 49 फिल्में साइन करवाई, इसकी क्या वजह थी? मैं ये चाह रहा था कि यार मेरे डैडी को इतने साल काम नहीं मिला, मुझे काम मिला है, मैं कमाल कर दूंगा, कमाल करके ही निकलूंगा। गोविंदा के जीवन के परिवार की बहुत अहमियत है, माँ का स्थान सबसे ऊपर, लेकिन उसके बाद कीर्ति भैया। आप बताइए ऐसे छोटे नन्हे बालक का बड़ा भाई होना कितना जिम्मेदारी वाला काम है और कितना आनंद वाला काम? वो एक कहावत है कि नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी। उनका अपना जीवन जो है वो अपने बलबूते पे जो है उन्होंने बनाया। हमारी बात अलग है, हमने बहुत ठोकरें खाई। उसमें बहुत सी यादें ऐसी हैं जो कि इंटरवल से पहले की हैं और कुछ इंटरवल के बाद के बाद जब गोविंदा एक्टर बन गया, इनका काम बतौर सेक्रेटरी देखना शुरू कर दिया, तो उसमें इनको मैंने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा फिल्में साइन करवा दी, क्योंकि हम लोग जो है बहुत मतलब बहुत गरीबी देख चुके थे और किसी तरीके से जो है गरीबी से उभरना चाहते थे। तो एक दिन उन्होंने कमरा बंद किया और मुझे सब अपने पैसे वैसे दिखाए और सब बैंक वैंक सब दिखाया, देख के मैं चौड़ी हो गई। मैंने कहा भगवान मजा आ गया, इसका किया क्या जाए पैसे का। तो इनका सबसे पहला आइडिया ये था कि पप्पू भैया एक काम करते हैं, हम लोग 100 ऑटो रिक्शा डाल देते हैं। तो मैंने कहा भैया अरे यार ऑटो रिक्शा कौन संभालेगा, और अपने से नहीं हो सकता, ये अपना काम नहीं है। हर चीज में ये अपना काम नहीं है, बोला तो है क्या हम बताए। तो उसके बाद कुछ समय बीता, गोविंदा स्टार हो गए, पैसे कुछ ज्यादा आ गए थोड़े हमारे पास, तो गोविंदा ने कहा पप्पू भैया अब समय आ गया है,
अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग 100 ट्रक डाल देते हैं। 100 ट्रक कौन देखेगा यार, और ये कहाँ कहाँ ट्रक काम नहीं, अपना काम नहीं, हर 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 चीज में अपना काम। तो उसके बाद पॉलिटिक्स में गए, फिर यही हुआ, ये अपना काम नहीं है। ये मैंने नहीं कहा, मैं आपको इंटरवल से पहले की कुछ एक दो घटनाएं जो है वो मैं बताता हूँ। बस यहीं से करीब बिल्कुल, मतलब थोड़े फासले पे जो है हम लोगों का घर हुआ करता था। चलो कदम घुमा लें उस घर की ओर, जहाँ माँ बुलाती थी परियां और कहानियां खींचती थी नींद की डोर। वहाँ अब घर ना हुआ तो क्या, उससे जुड़ी कितनी यादें हैं जो आज भी करती हैं आंखें नम। यह क्रिकेट करते हैं। अच्छा, कमाल हो गया ये तो। ऐसा शहर आया है, वहाँ हम लोग वहाँ से आया करते थे और ये चाल हुआ करती थी। ये चाल गोविंदा का जीवन अपने आप में एक मिसाल है। इनका गांव इनकी पहचान का अटूट हिस्सा है। इससे ये जाहिर होता है कि वो अपने जड़ों से कितनी गहराई से जुड़े हैं। जीवदानी मंदिर से सरपंच के घर, फिर वहां से अपनी चौल तक, गोविंदा कुछ नहीं भूले। शेख मास्टर का ये चौल, यहाँ वही घर था जहाँ गोविंदा का बिल्कुल गैर फिल्मी बचपन बीता, जहाँ इनकी सफलता के बीज बोए गए। उषा किधर है? ये शुरुआत है, शुरुआत का ज्यादा जो है आपको कीर्ति भैया जो है अच्छे से समझा सकते हैं। 1962 में हमारे मम्मी डैडी जो है सबसे पहले यहाँ विरार आए। शेख साहब जो है उनकी दौलत खाना था, वो रहते थे यहाँ पे। उस वक्त कमरा कोई था नहीं और हम लोगों को जरूरत थी, हम लोगों का सामान जो है विले पार्ला में रोड के ऊपर जो है पड़ाव से, तो उनके किचन में जो है हम लोगों को बना। उस दौरान उन्होंने जो है हम लोगों को पीछे एक छोटी सी इमारत खड़ी कर दी, हम लोगों के लिए 4 कमरे बनवा दिए। एक व्यायामशाला जो है यहाँ हुआ करती थी पिछले, वो कयूम जो उनके बेटे थे उन्होंने एक व्यायामशाला बनाई थी। वो जो मैं राजा बाबू में जो मैं करेक्टर जो मैं कर रहा था, जो खासकर जो चाल चली है यही जो है हम लोग के फादर मदर की एक नई जिंदगी जो है शुरू हुई यहाँ पे आने के बाद। यहाँ पे वो मकान मालिक का घर हुआ करता था, ये जो जगह है वहाँ पे हम लोग रहा करते थे और वहाँ उस तरफ व्यायामशाला हुआ करता था, कई भाई की व्यायामशाला हुआ करती थी। आज इतने सालों बाद गोविंदा जिस घर के लिए लौटे हैं, उस घर का अस्तित्व तो उजड़ चुका है, वो चार दीवारी मिट चुकी, लेकिन उससे जुड़ी यादें कभी नहीं मिट सकती। आज भी वो अपने पुराने रिश्तों को नहीं भूले। जैसे चंपक सेठ की ये दुकान, जहाँ टॉफियां लेने आता था छोटा सा गोविंद। गोविंदा ने अपने मोहल्ले से विनम्रता सीखी, अपने पड़ोसियों से प्यार बांटना सीखा, अपने घर पर माँ से उन्हें संस्कार मिले। लेकिन वो जगह कौन सी है जहाँ उन्हें दुनिया को जीतने का विश्वास मिला? एक वो भी वक्त था जब किसी और के नाम पे नारे लगते थे, और आज एक ये भी वक्त है कि अपनी ही दीवारें अपने नाम से गूंज उठती हैं। ये वही अध्यापक हैं जिन्होंने नन्हे गोविंदा के अंदर बनती बड़ी शख्सियत को पहचाना और उसे उभारा। आज अदर डे सावे जी हैं, जो मैं गीत गा रहा था तो मैं तैयार नहीं था, मैं कह रहा था कि मैं नहीं गीत गाऊंगा। तू गा सकता है, तू आर्टिस्ट हो सकता है, तू ये कर सकता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बचपन में इनके आंसर शीट में एक्सप्रेशन इतना अच्छा होता था, उधर से सिर हिलना है कुछ, ये बताइए। ये तारीफ करते समय मैं याद, हां ये तो इतने चुलबुले थे ना कि एक जगह
एक मिनट भी आराम से बैठे ऐसा कभी हम लोगों ने देखा नहीं देखा। तो मैं एक क्लास टीचर था। अच्छा। मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट था, मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, तो मेरे आवाज की इसने बराबर नकल की। तो मैं बहुत डर गया, मुझे इनको बोला अंग्रेजी में मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मेरे आवाज की नकल कर रहे हैं। तो हंसने लगा, मुझे लगा कि इनके स्माइल में जादू है, ये लड़का आगे स्टेज पे जाएगा। मैं इनको पहले ही दिन आशीर्वाद दिया। शुरू से कह रहे थे, शुरू से कह रहे थे कि ये एक्टर है, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं कैसे, क्या हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसा होता है। ये बताइए, अब ये इतने बड़े कलाकार, इतने बड़े सुपरस्टार हो गए हैं और आप लोग तो रोज देखते होंगे इनको, अब तो आप लोगों के लिए और मुश्किल होता होगा क्योंकि आपके स्कूल के सारे बच्चे बनना चाहते होंगे गोविंदा, है ना। दोस्तों के बिना बचपन की हर कहानी अधूरी होती। आपकी क्लास वाले कोई नजर नहीं? अरे वो क्लास वाले नहीं, तो क्लास नहीं थे। वो बचपन ही क्या जहां दोस्त ना हो। गोविंदा अपने घर लौटे, अपने गांव लौटे, और उनके इस सफर में हमने उनके अतीत में झांक कर उन लम्हों को महसूस किया जो गोविंदा की जिंदगी का अटूट हिस्सा रही, चाहे वो सरपंच जी का घर हो या शेख मास्टर का चौल या फिर उनका अपना स्कूल। और अब हम गोविंदा की जिंदगी के उस पहलू से मुलाकात करेंगे जिसने उन्हें हीरो नंबर वन बनाया, और वो है कांति भाई का टूरिंग टॉकीज। गोविंदा की शख्सियत पर दो चीजों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, कयूम भाई की व्यायामशाला और टूरिंग टॉकीज। टूरिंग टॉकीज यानी चलता फिरता सिनेमा, ना कोई थिएटर, ना कोई स्क्रीन, बस एक छत के नीचे कपड़े पर प्रोजेक्शन करके फिल्में देखना। और इसी तरह से गोविंदा ने ना जाने कितनी ही फिल्में देखी। टूरिंग टॉकीज जहाँ पे आप सिनेमा देखते हुए पहले बार, तो उसको देख के लगता है कि ये कभी भी कॉन्क्रीट परमानेंट ये सेटअप नहीं है। कभी नहीं, बारिश के दिनों में हमेशा बंद रहा करते थे और तेज हवा आ जाए तो छपरे उड़ जाया करते थे। फिल्म नहीं देख सकते थे आप, अंधेरा नहीं हो पा रहा है तो आप फिर देख ही नहीं सकते थे रात करना। लेकिन शुरुआत जो इसकी हुई थी वो गांधी सेठ की हुआ करती थी, और मैं गांधी सेठ की गोद में ही मैं रह के सिनेमा का नज़ारा लिया करता था। और मधुबेन, टूरिंग टॉकीज के चालक स्वर्गीय कांति भाई की पत्नी, उन दिनों को याद करके आज भी गर्व महसूस करती है जब उनके पति की गोद में बैठकर देखी हुई फिल्मों से गोविंदा को फिल्मों में काम करने की प्रेरणा मिली। पूरा थिएटर भरा हुआ रहता है, लास्ट में लास्ट रो रहती है ना, उसमें लास्ट में अंकल बैठते थे, तो ये पूरा ऐसा घूम के लास्ट में जाके गोदी में बैठ जाता था। अच्छा, जी 8 साल तक आपके फिल्म देखने की जो तहजीब है, तमीज है, ये सिर्फ एक ही थिएटर पे रहा या और दूसरे फिल्म? नहीं, आई केप्ट ऑन वॉचिंग अगेन अगेन। उसमें फायदा यह हुआ मुझे, जो मुझे ऐसा लगता है जो व्यक्ति मुझे मिल रहे थे, जहाँ मैं पढ़ रहा था, जहाँ मैं रह रहा था, जो गाँव है, ये हर जो चीज़ जो है वो मेरे लिए अभिनय का मेरे वजह हो गई, मुझे उससे बहुत फायदा हुआ। और जितेंद्र का पिक्चर बहुत पसंद था, डांस करता था। जितेंद्र जी और मिथुन चक्रवर्ती जी, जितेंद्र ने डांस किया तो वही था ना, चालू गोदी में बैठा रहता है तो उतर के हम लोग उसको देखने लगते हैं पिक्चर में। हमारा पूरा गांव उसके ऊपर करवा लेता है ना, गोविंदा ने नाम निकाला और पिक्चर में इतना नाम कमाया है, और जब भी विदा रहता था तो उनको तो याद करता ही। हमारे घर के पास निकलता था तो गाड़ी उभी रख के हम सबको मिलता था। इतना बड़ा हुआ फिर भी वो प्रणाम करता है, शर्म नहीं ऐसा। नहीं तो बड़े लोग हो जाते हैं तो कुछ शर्म है, इसलिए प्रणाम करता हूं। गोविंदा भले ही बचपन में मिथुन और जितेंद्र की डांस की नकल किया करते थे, लेकिन आज हर बच्चा गोविंदा जैसा डांस करना चाहता है। अरे
अच्छा अच्छा हाँ हाँ म्यूजिक दिखाना चुराना मेरा जिया गुरिया चुराना मेरा जिया हुस्न है सुहाना इश्क है दीवाना रूप का हजारा। गोविंदा असंभव को संभव करने का जीता जागता उदाहरण है, अथक परिश्रम की मिसाल है और तमाम लोगों के लिए ये प्रेरणा है कि घर कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर हौसले बुलंद हो और जज्बे बड़े तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। एशियन पेंट्स हर घर कुछ कहता है मैं विनय पाठक अगले हफ्ते एक और घर की रुमानियत को लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। ये थी इनके घर की कहानी। लॉग ऑन करें asianpaints.com/घर पे और हमें बताएं अपने घर की कहानी। आप जीत सकते हैं एशियन पेंट्स की तरफ से एक्साइटिंग प्राइजेस।